पर्सनली मैं सोच रहा हूँ आज मेरा क्या होगा। हैं क्यों? एक तो आप लेडी, ऊपर से दो और लेडी गेस्ट आ रही यहाँ पे। थैंक यू कपिल, शुक्र है इसने मुझे लेडी तो कहा। थैंक यू। अरे वो तो आपको पता है मैं मजाक करता रहता हूँ। कितनी प्यारी लेडी हैं आप। लेकिन अगर तीन लेडीज इस मंच पे आएंगी तो मुझे कौन बोलने देगा? अरे लेकिन ये है कौन दोनों? अरे मैं आपको क्या बताऊं, दोनों बड़ी कमाल की हैं। एक जबरदस्त गर्ल है तो दूसरी मस्त मस्त गर्ल है, आप समझ गई होंगी। अरे समझी क्या, मैं ही बुला देती हूँ दोनों को। बुला लो, आज शो भी आप ही कर लो, मेरे को तो लगता है मेरे को भी बोलने देगा। अरे हैंग ऑन यार, सिर्फ बुला रही हूँ। So ladies and gentlemen, put your hands together for the ravishing Raveena Tandon. And director and choreographer Farah. आज मैं बताऊं, मुझे ऐसे लगा कि आपकी लाइफ बन गई। वो तो है। कभी इस मंच पे दो लेडीज ऐसे इनके साथ गई नहीं होगी डांस करने और इनको इनको वो फील देने। I have my two ladies in a single body. आपको मेरा डांस अच्छा लगा? कपिल डर गया। ये डांस करना जरूरी था। I know. मुझे लगा ऐसे माहौल में थोड़ी गर्मी आए, पब्लिक कम है, कोविड की वजह से प्रोटोकॉल चल रहा है। ये डांस देख के बारिश ही बंद हो जाए यार। तो आपको इनका दिखाऊं फिर मैं? अरे इनका मैंने देखा है, इनको मैंने कोरियोग्राफ किया है। सीरियसली मेरा करियर डूबते डूबते बचा है। मोहब्बतें फिल्म में अर्चना और वो तीन लड़कियां डांस कर रही थी। वो तीन इतना खराब डांस कर रही थी कि इनका डांस अच्छा लग रहा था। Can you imagine how bad they were? And everybody was asking, तीन हीरोइन और पांच हीरो क्यों डांस कर रहे हैं? अच्छा। एक बार जोरदार तालियां फरा मैम और रवीना जी के लिए। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज फरा मैम आपके कुछ पैर पे चोट लगा क्या? आज मेरा पैर भी स्प्रेंड है। क्या क्या हो रहा है यार, ये सब छोड़ के देख मैं तेरे लिए आई हूँ। I love you ma'am, thank you so much for coming. वैसे मैं बता दूं कि फारा और मैं बहुत गले वाले मिलते हैं, लेकिन अभी कोविड है तो इसलिए हम दूरी बना रहे हैं। but I love you both. We also love you. और यही रीजन परमिट भी दे रहा है रोज इसको। आप तो कसम से ऐसे लग रहा है जैसे अपनी रिसेप्शन से ही भाग के आई हैं हमारे शो पे। सीरियसली फरा मैम और रवीना जी इतनी हाजिर जवाब हैं, मतलब इनके सामने बोलना ये तो शुक्र करो कि हमारे नाम के ऊपर शो है तो हमें बोलने दे रही हैं ये। मेरे को तो ये लगता है कि इनके जो बेटर हाफ है ना वो भी हाफ ही बोल पाते होंगे। मैम सीरियसली बताना, आप दोनों के जो बेटर हाफ है प्यार करने के अलावा उनको आपके सामने मुंह खोलने की इजाजत है? देखो मेरे बेटर हाफ बेटर में तो मैं ही हूँ। सुरेश हाफ है और I must say कि घर में सिर्फ वो बोलता है। अच्छा हाँ हाँ, ये ना आप लोग के सामने पूरी इम्प्रेशन है कि वो बेचारे कुछ नहीं बोलते हैं। आई थिंक सेम सिचुएशन मेरी भी है कि मुझे यही मौका मिलता है सेट पे बात करने का। जैसे ही घर पे जाती हूँ सुबह से रात तक, इट इज ओनली अनिल थडानी टॉकिंग। और अभी कोविड का टाइम है तो पूरा काम फोन पे हो रहा है और जब फोन पे जब बातचीत शुरू होती है तो हम लाइन में खड़े रहते हैं वहां पे ऐसे लिटरली, आई नीड टू टॉक टू यू। मैं और बच्चे हम तीनों लाइन में खड़े रहते हैं, अनिल वहां बात कर रहा है बात कर रहा है बात कर रहा है, एंड वी लाइक बट किससे बात कर रहा है ये पूछना चाहिए तो। नहीं वही, ये थिएटर में क्या लगी है, कपिल शर्मा ने क्या बनाई है, क्या होगा नेक्स्ट, अभी फिल्मों का इतने बड़े डिस्ट्रीब्यूटर है अभी फोन कॉल तो चलते रहते हैं। तेरा नाम ऐसे डाल दिया उसने। आई नो, तो मेरी फिल्म भी इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करी थी। हां एग्जैक्टली। आपको पता है अर्चना जी वैक्सीन लगवाने गई और ओ माय गॉड नर्स डर के मारे बेहोश हो गई। और डॉक्टर अभी तक ऑक्सीजन पे है। उसके बाद ये दूसरी डोज लगवाने गई, डॉक्टर आ नहीं रहा था, उसको घसीट के लाया तो कहता मैं नहीं जाऊंगा, खींचा उसको और कसम से ये अपनी हाफ स्लीव टी शर्ट ऊपर करके आज कुछ नहीं होता कम है। वो आया इंजेक्शन लेके, फिर जब इंजेक्शन लगाया सिरिंज अंदर ना जाए, एक तो मुड़ गई पहले, फिर उसने तीसरी सिरिंज, दो टेढ़ी हो गई, तीसरी निकाली, फिर हैमर निकाला उसे ठोक के।
फिर जब थोक के इंजेक्शन लग गया उसके बाद सिरिंज बाहर ना निकले, वो बेचारा खींच रहा कि तुमसे नहीं होगा, रुको जरा ये लो। फिर बोली ये तुम दोबारा तो नहीं यूज करोगे? कहता नहीं मैडम। अच्छा तो बूस्टर शॉट कब लगवाने हो? सॉरी अभी क्या करें, बूस्टर शॉट लगवाने जाओगे ना आप, यही ड्रेस पहन के जाना, आपको ये नहीं करना पड़ेगा। तूने लगा लिया अभी तो वो हेल्थ वर्कर्स को दे रहे हैं। तू भी तो हेल्थ वर्कर है, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। ओह थैंक यू मैम, शुक्रिया मैम। आपने बताया नहीं चोट कैसे लगी आपको? अरे ये अच्छा बड़े लोगों की चोट लगती, देखो कितनी सुंदर रेड सी पट्टी बांधी है। हम जैसे गरीब आदमी चोट लगी ना, इतनी बड़ी सफेद पट्टी, ऊपर से पीली दवाई बीच में से निकल रही होती है। सफेदी पट्टी थी। अच्छा लेकिन मैंने ये शो के लिए ये मैचिंग किया है। वाओ प्लीज डोंट लाफ, मैं अपने ही पूल के स्टेप्स पर स्लिप होकर गिर गई, जबकि गिरना शीरीष को चाहिए था मुझे स्विमिंग कॉस्ट्यूम में देखकर। देखा इसमें मैंने दो चीजें डाल दी कि मैं कितनी अमीर हूँ कि मेरा खुद का पूल है, वो डालना ही पड़ता है। मैं पब्लिक पूल में जाऊंगी, भगा देंगे मेरे को वहां देख। आपका हमें पता है पेंट हाउस पे आपका अपना पूल है। हाँ लवली हाउस, सब खबर रखते हैं हम। आओ कभी हमारी हवेली पे। तो फिर अभी आप कुछ दिन पूल इस्तेमाल नहीं कर रही? मेरी दोनों बेटियां भाग कर आई मुझे हेल्प करने, और मेरा बेटा अब सिर्फ पासवर्ड पूछ रहा था मुझे। मतलब आई फॉलन डाउन, आई एम लाइक माय लेग इज सोलन, पासवर्ड, व्हाट इज द पासवर्ड? आई सेड तेरे तो जायदाद से तू तो गया। बेटियां एक्चुअली प्यारी होती हैं, बेटे थोड़े ऐसे ही होते हैं। देखो ये कितनी अच्छी बेटी है रवीना, जेन्युइनली आई मीन इट, शी इज वन ऑफ द बेस्ट डॉटर, शी रियली लुक्स आफ्टर हर पेरेंट्स, सो स्वीट, सो स्वीट। और बचपन से आई अप्रिशिएट। रवीना मैम आपको बहुत बहुत मुबारक, आपकी वेब सीरीज बड़ी अच्छी चल रही है, ओटीटी पे, बस मेरे से नाम ही नहीं लिया जाता उसका, अरान्यक। अरान्यक इसका मतलब क्या है रवीना मैम? इसका मतलब है कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जो जंगल में रहते हैं, जंगलवासी। पर इसकी शूटिंग बड़ी मजेदार जगह पे हुई है, हिमाचल में हुई है, कसौली शिमला में। जी। और आप पुलिस इंस्पेक्टर बनी है, गर्म गर्म कपड़े पहन के, शुक्र है कहीं भी टिप टिप बरसा पानी वाली पीली साड़ी पहनी होती ना आपने, कसम से। अगर वही पीली साड़ी पहन के कुछ किया होता तो डांस वहां बर्फ पिघल जाती, आशुतोष राणा तो बैक के धोला कुआं तक आ जाते। रवीना मैम वैसे आपके साथ ऐसा कभी हुआ कि कोई राइटर आपको सुना के गया हो कि ये गाना स्विट्जरलैंड में शूट करेंगे, प्रोड्यूसर आपको लोनावला ले गया हो कि मेरा तो बजट नहीं है भाई, ऐसा हुआ कभी आपके साथ? वो आपके साथ हुआ? हाँ। बड़ी बार होता है इसका, बोलते हैं लोनावला में शूट करेंगे और धैसर लेके जाते हैं। जब मेरे बच्चे छोटे थे ना तब मैं उनको उल्लू बना दी ना, गोवा जाएंगे उनको गोरा लेके गई थी। आ गया गोवा, एटलीस्ट गोवा, गोरा गो। दिस इज नॉट लुकिंग लाइक गोवा मम्मा। मैम आपका मुझे गाना याद है जो रंग दे तू मोहे गेरुआ आपने डायरेक्ट किया, वो कितना, वो मेरे ख्याल से नदी में शूट किया था ना आपने? हमने सब जगह शूट किया, बर्फ में, आइसबर्ग पे, माउंटेन टॉप पे। तो आपको डर नहीं लग रहा था आइसबर्ग अगर पिघल गया? मैं तो थी नहीं ना, हीरो हीरोइन थे। एक्चुअली शाहरुख भाई यूं कर रहे हैं, पीछे से दो फाड़ होगी जमीन और शाहरुख भाई अंदर चले गए। काजल देखेंगे ओ माय गॉड भाई शाहरुख इतने पैसे लेते हैं, मैं कोई सिंपति नहीं है, मम्मी मम्मी मैं हीरोइन बनूंगी, खड़े रहो आइसबर्ग पे। अच्छा पेंट हाउस इनका, पूल इनका, बट वो तो मेहनत की कमाई है, मेहनत की कमाई। उन्होंने डाके मारे हैं, उन्होंने भी तो मेहनत की है। हमारी क्या मेहनत की नहीं है? ऑफ कोर्स मेहनत की है ना, बट ये लोग बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं हमसे। पर ऐसा भी होता है मैम कभी, जैसे जब आप चार्ज करती हैं, आप वन ऑफ द बिगेस्ट कोरियोग्राफर, बिगेस्ट डायरेक्टर हैं, तो सामने वाला बंदा देखती हैं आप गोविंदा है तो चलो कम पैसे भी दे दो चलेगा, सनी देओल है तो नहीं तीन गुना लूंगी। एक्चुअली मैं लास्ट 10 साल से मैंने चार्ज ही नहीं किया है यार किसी को। मैं सिर्फ अपने दोस्तों के लिए गाना करती हूँ और मैं पैसे भी नहीं लेती। कपिल आपने साइन नहीं किया इनको?
फ्री में आ जाती हूँ। तेरा गाना मैं आके करूंगी फ्री में। फरा मैम आप इस चीज से एग्री करेंगी, रवीना मैम आप भी, आपने हाल ही में वेब सीरीज करी है। आजकल ना बड़े नॉर्मल डायलॉग होते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मल बोलचाल करते हैं ना, कि जैसे गुंडे को मारना है तो दो गाली दी, लिटरली गाली दी और गोली मार दी। तो आपने कादर खान साहब के साथ भी काम किया है, हाँ जी, है ना, तो उनके डायलॉग भी ऐसे होते थे ना बड़े बड़े। आपने 90s में भी काम किया है, अब 2022 में आप वेब सीरीज कर रही हैं, आपको कितना फर्क नजर आता है ये टेकिंग में, डायरेक्शन में, राइटिंग में? आई थिंक वेब सीरीज में एक थोड़ी एग्जॉशन हो जाती है, क्योंकि वो हर एंगल से लेते हैं, क्योंकि आजकल जो टेकिंग हो गई है और इतना जो समय डायरेक्टर्स को मिलता है कि वो सब कैरेक्टर्स को इवॉल्व कर पाए, सब कैरेक्टर्स के इमोशंस फीलिंग्स देखें, तो सबका ही शॉट और इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो वो पूरा एक्सपोज करने के लिए आई थिंक हम लोग वी एंड अप डूइंग अ लॉट लॉट मोर जो हम फिल्म में शायद करते हैं। 2 घंटे में पूरी खत्म करनी है फिल्म, राइट, और ये तो 9 घंटे बैठे रहो भाई। एक्चुअली वैसे 90s में जो मैं मेरी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती थी वो आजकल के वेब सीरीज में नॉर्मल बोला फिर 2 गाली फिर नॉर्मल बोला फिर 4 गाली। मैं तो 90s से करती आ रही हूं। नहीं लेकिन अरानियत में ये एक अच्छी बात है कि जो वेब सीरीज है इट इज अ फैमिली सीरीज, वो ऐसी नहीं है कि गालियां वालियां पे हम लोग ने डिपेंड नहीं किया, खाली कूल लगने के लिए ऐसा हमने कुछ नहीं किया, पूरा देसी स्वैग है और पूरी फैमिली बैठ के देख सकती है साथ में, तो वो एक एडवांटेज था। वो 90s में फारा जी वैसी ही थी, तभी भी गालियां सुनी हम लोग ने सेट पे। सेट पे फारा इज अमेजिंग, इट्स अमेजिंग, इट्स एन एक्सपीरियंस टू वर्क विद फारा। मतलब मैं एक चीज फारा के बारे में बोलना चाहती हूँ, लोग जब कभी कभी गाली देते हैं या मुंह पे इंसल्ट भी करते हैं ना, वो बुरा लगता है, फारा के मुंह से कुछ भी बुरा नहीं लगता, वो आपकी आके आपके सामने आपकी छींचा लिदरी कर देगी, आपको इंसल्ट कर देगी, लेकिन आपको बहुत अच्छा लगेगा, ऐसे कैसे हो सकता है? एक्चुअली ये बात मैं एग्री करता हूं, आई एग्री, मतलब सेम चीज आप बोलेंगे ना और शायद मैं बोलूंगी तो लोग इंसल्ट, वो तो अर्चना जी अब तक टिकी हुई है पता नहीं कैसे, लेकिन ये बात है कपिल कि मैं स्टार हो या कोई भी हो, आई ट्रीट देम द सेम वे। मेरे घर पे एड शीरन आए थे जी, हाँ, जो दुनिया के आई थिंक नंबर 1 सिंगर है जी, पार्टी चल रही है और मैं डीजे को गालियां दे रही हूँ, ये क्या गाने बजा रहा है, निकल बंद कर, मैम एड शीरन के गाने हैं। ओ एड शीरन के गाने बजा बजा। ये बात जो रवीना मैम ने बोली है ना बिल्कुल सही है, मैं इनकी कल कॉल माई एजेंट देख रहा था, तो इनकी एंट्री होती ना जैसे ही वो वाले सीन पे नहीं, अफसोस वाले पे नहीं, बाद में जब आती हैं ये, तो ये लड़का था दुबला पतला सा घुंघराले बाला वाला, मुझे पक्का पता है ये इन्होंने अपनी तरफ से बोला हुआ, कहती है कीटो डाइट के नसीरुद्दीन शाह। मैं इतना हंसा, मैं मेरी बीवी को बोला वो भी देख रही थी, मैं कहा ये फरा मैम ने अपने मन से बोला होगा, ये किसी ने लिख के नहीं दिया होगा, पर सच्ची में बड़ा ही बदलाव आ गया है। तो उधर देखो कब हुआ लॉन्च, जब फिल्मों में डायलॉग नहीं होते थे, मूड फिल्में आती थी, इशारों वाली फिल्में ऐसे। जब मेरा लॉन्च हुआ था तो फारा ने मेरे साथ डांस किया था, मेरी पहली फिल्म के साथ नहीं, इनके पीछे खड़े होके, हाँ, बैकग्राउंड डांसर, फिर इनका डांस देखकर मुझे आगे रखा। पर मैम मैंने सुना आपने भी सीखा नहीं है किसी से डांस? कपिल मेरे टाइम पे ना क्लासेस थी, और क्लासेस होती भी तो ना पैसे थे वो क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, तो देख देख कर। और माइकल जलवा में पीछे डांस करने से, हाँ, तुम मतलब इतनी बड़ी कोरियोग्राफर, व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप दैट यू टुक टुवर्ड्स कोरियोग्राफी? ये इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। जब मैं छोटी थी तो ये और मेरे जो भाई हैं और इनके भाई हैं वो सब बहुत ही क्लोज मित्र हैं, सब साथ में घूमते थे, तो मैं ऐसे जो हैंगर ऑन होता है ना, एक टंगी हुई होती है पीछे से छोटी सी, वो लेके मुझे घूमते थे। छोटी नहीं थी जितनी ये बोल रही है, लेकिन ठीक है, तो ठीक है मैं बड़ी सी थी ये टीनेजर तो मैं इनके साथ घूमती थी, एंड हम जब छोटे थे ना तो हम इनको मतलब वी यूज्ड टू लुक अप टू फारा, क्योंकि वो टाइम की और आज की भी मेरे हिसाब से द बिगेस्ट डिस्को क्वीन एवर। क्या बात, हर ऐसा कोई डांस कंपटीशन नहीं होता था नेशनल या इंटरनेशनल जो फारा ने नहीं जीता। Really? I didn't know about this, yeah? Really? तुम लोगों को मेरी कदर नहीं है ना? और एक आज जो नहीं जीता था छीन लेती थी ट्रॉफी, ऐसे मैंने सुना है। तब इसका भाई और साजिद मुझे रात को उठाकर नाइटी में ले जाते थे, क्योंकि मैं वहाँ की मेंबर थी, तो साइन देम और फिर रिक्शा में बिठाकर मेरे को भेज देते थे।
और मैं 16 एंड अ हाफ मतलब पहली बार लाइफ में मैं अगर डिस्को में गई तो मैं फारा के साथ गई. दैट इज आई रिमेंबर वेरी वेल. और फारा मैम ना इतनी ब्लंट है और ये नेचुरल है जैसी है ये, है ना. कभी आप किसी फिल्म में एक्टिंग करते भी देखो, मैं तो हैरान होता हूँ कभी कभी सोच के कि शीरीष सर और आप जब कभी मिले होंगे आपने रोमांटिक लाइन कैसे बोली है. मैंने कभी नहीं बोली. कॉलर से पकड़ा होगा सीधा कि सुन. So who made the first move? He denies it now, but he made it. अच्छा? हाँ. So कभी तुमने वो shy girl girlfriend का वो, you know, कभी वो किया? हाँ. Like I'm feeling shy. अर्चना तुमने किया है कभी? नहीं, पर इन लोग पहले कॉलीग्स थे ना, सो दे वर वर्किंग टुगेदर, तो वो एक रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट तो रहती है. टू हेट मी. तो ऐसा नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा था. अरे ही यूज्ड टू हेट मी. रियली? या. एंड आई टू गेट इरिटेटेड विद हिम क्योंकि वो एडिटर थे, तो वो मेरे को बोलते थे ये कैसा गंदा सीन शूट किया है. अच्छा, तो मैं बोली साला ये कौन है जो मेरे को. मैम मैंने एक और बात सुनी आपके बारे में, कहते टीवी अवार्ड्स में आपने शकीरा को वो डांस वांस सिखाया. वाओ, मैं बड़ा, मेरी फेवरेट है वो. मुझे गाने नहीं समझ आते उसके, पर मेरे को अच्छी लगती है वो. हाँ, सबको अच्छी लगती है वो. शकीरा, हिप्स डोंट लाई. हाँ, हिप्स डोंट लाई. तो मुझे बुलाया गया था न्यूयॉर्क में. शी वांटेड टू डू इट बॉलीवुड स्टाइल. अच्छा. तो आई वेंट देयर एंड आई कोरियोग्राफ्ड हिप्स डोंट लाई. वाओ. तो वही सेम इंडियन वर्जन आप हमारी अर्चना जी को सिखा सकती हैं? प्लीज. मैं आपको काजू दूंगा खाने को. मेरा करियर तो डूबेगा, शकीरा को क्यों डुबा रहे हो? प्लीज मुझे नहीं करना. लेकिन मुझे एक चीज करवानी है रवीना, वी हैव टू डू इट. क्या? आई हैव बीन नोटिसिंग कॉमेडी सर्कस से. क्या? अर्चना को एक्चुअली क्रश कपिल पे. ये तो है. रवीना मैम, आपको पता है आपका सुपर हिट गाना टिप टिप बरसा पानी, इस बार सूर्यवंशी में फराह मैम ने रिक्रिएट किया उसको. पर मैम एक बात बताओ, वो गाना ऑलरेडी इतना सुपर डुपर हिट, आपके ऊपर कितना प्रेशर था? कि मेरे ऊपर इसका प्रेशर सबसे ज्यादा था. क्यों? क्योंकि शी मतलब दही, दही मत बनाना, आइकॉनिक सॉन्ग है सबको. वो रवीना का गाना है, येलो साड़ी याद है. और ये मुझे को फोन कर करके तू इसकी माँ की आंख मत करना इस गाने की. अच्छा, मैंने देखो कितने प्यार से बोला दही बटाटा मत बनाना उसका. कोई भी रिक्रिएशन में प्रेशर तो रहता ही है. इतनी हिट चीज़ हो. हाँ, तो बट आई वाज वेरी हैप्पी जब गाना आया. फर्स्ट कॉल आई गॉट फ्रॉम हर दैट फारू यू हैव डन अ सुपर्ब जॉब एंड कैटरीना इज लुकिंग सुपर्ब. और रवीना मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने दिल से बोली थी बात क्या? ऐसे ही कमीनी. पर आपने जब पीली साड़ी पहन के किया था ना, हमारे पंजाब में मर्दों की आंखें पीली हो गई कई हफ्तों तक. उनकी बीवियां कहती जाओ तुम लोगों को जॉन्डिस हो गया है. नहीं माने वो, पर वाओ एक्चुअली. लेकिन मुझे इतना भरोसा था कि अगर कोई और करता ना गाना, आई थिंक वाकई में उसका दही बटाटा हो गया होता. बट अगर फारा के हाथ में था तो आई न्यू डेफिनेटली वो रिस्पेक्ट और ग्रेस तो जरूर रहेगी. क्या बात. फारा मैम, आपने इतने सारे गाने रवीना जी के किए हैं, कभी किसी हीरो ने एक्स्ट्रा आपके कहा है कान में कि मैं से 5,000 एक्स्ट्रा ले लो, मेरा रोमांस ज्यादा रखना? और आपने कहा कि इस बार रवीना ने मुझे ऑलरेडी 10,000 दिया कि तुमसे दूर रखना. पर ऐसा बोल ही देते होंगे हीरो? बोलते तो है. शी वाज, शी स्टिल इज, बट तभी व्हेन आई डिड आतिश एंड ऑल दी सॉन्ग्स, इट वाज सुपर हॉट. और सारे हीरो मरते थे इस पर. बिल्कुल. कोई नहीं, किसी ने आगे मुझे बोला भी नहीं है. कहीं नहीं बोल पाते, मन में रखते हैं, फिर वो टीवी पे काम करने लगते हैं, वो क्या करें. होते हैं कई लोग इंट्रोवर्ट होते हैं. और तूने पैसे दिए होते ठीक से तो अर्चना के बदले इसके साथ डांस कराती ना तेरा. आपने जो ये गाना किया है ना एपिक, कोई भी नहीं कर सकता. थैंक यू. बहुत अच्छा. वैसे आपको हमारा नाला सोपारा का क्रिएटिव कैसा लगा? ये देखो, टिप टिप बरसा बोला ना, टिप टिप आंखों में डाल रहा था पानी रे तू का. और तूने इधर आ, तूने क्या मेरा पूरा कपड़ा खराब कर दिया? अब ये कपड़ा तेरा बाप धोएगा? सपना, ऐसे बदतमीजी से बात करते हैं? अरे उसके बाप का लॉन्ड्री का बिजनेस है, उसी का बाप धोएगा रे. अच्छा. हाँ, ये देखिए, ये है हमारा नाला सोपारा का अक्षय कुमार. ये भी सुबह 4 बजे उठता है? नहीं, ये 4 दिन उठता ही नहीं है.
देखो दुनिया में ऐसे कुछ अक्षय कुमार होते हैं जो खुद भी जिंदगी जीते हैं और दूसरों को भी जीने देते हैं। ये पता है ऐसी सब चीजें मेरे से बुलवाता है, फिर अक्षय सर आते हैं उनको सारे क्लिप दिखवाता है, और फिर वो हमारी बात लगाते हैं। और कैसे खैर मैं आने में थोड़ा सा लेट हो गई थी, एक्चुअली बाल धो रही थी ना मैं। आज हमारे नाला सोपारा में वो आए थे। कौन? गेस्ट नहीं, पानी आए थे। पानी आया था बोलते हैं? नहीं, वो कभी कभी आते हैं ना, तो मैं उनको बहुत इज्जत देती हूँ। मैं कैसी लग रही नहा के? बहुत खूबसूरत। आपको मालूम है मेरे को ना नाला सोपारा में लोग नाला सोपारा की रवीना टंडन बोलते हैं। नहीं पर ये बात सही है, जैसे आप अखियों से गोली मार लेती हैं, ये अगर किसी को आंख मार दे लोग गोली मारने आ जाते हैं। इसके कंधे पे लगी हुई है दो। हाँ, रात को सोने से पहले कंधा उतार के सोती है। ऐसा कुछ नहीं, बकवास कर रहे हैं। मेरा नाला सोपारा में बहुत वट है। हाँ, मेरा छावा है उधर मुकेश। हाँ, वो बहुत बड़ा टाइकून है। कौन सा टाइकून है? वो सुअरों का टाइकून है। हाँ, खैर छोड़ो, कहाँ सुअरों की बातों में लग गए। आज हमारे शो पे दो बहनें आई हैं, जोरदार तालियां हो जाएं। बहनें? ये कहाँ बहनें आपस में? क्यों नहीं है, वो साजिद खान की बहन है, वो राजीव टंडन की बहन है, बहनें तो है ना। हम लोग बहुत गरीब हैं। क्यों? अभी महंगाई इतनी हो गई है। फरहा मैम क्या बताएं, मैं अभी इधर तक गई थी, मेरा 10 लाख रुपया खर्चा हो गया। किधर? मैं अमेरिका गई थी ना बिजनेस क्लास में। बिजनेस क्लास में गई थी? हाँ। तो इकोनॉमी में चली जाती फिर? अरे नहीं बाबा, आपको मालूम है सब लोग बोल रहे हैं कि दुनिया की इकोनॉमी गिर रही है। हाँ। तो मैं डर गई इकोनॉमी में बैठ के अगर मैं गिर गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तू करने क्या गई थी अमेरिका? मैं उधर बिजनेस के सिलसिले में गई थी। तेरा बिजनेस? मेरा नहीं, मेरे बुआ का बिजनेस है, बहुत बड़ा बैनर लगते है ना, बड़े बड़े बैनर, उसका बिजनेस है। कभी कभी तो वो बैनर लेके खुद भी खड़ी रहती है, उस पे लिखा रहता है होमलेस गिव मी मनी करके। इधर उधर की बातें करी जा रही, कभी सूरों की, कभी अपनी बुआ की, तो इनकी बात करना कोई। फरहा मैम आपका जवाब नहीं है, वैसे इनका कोई सवाल भी नहीं है। लेकिन मुझे मालूम था वो आने वाला। मैं सच्ची बात बोलती हूँ, फरहा मैम ने कप्पू जितने गाने कोरियोग्राफ किए ना, उतने गाने साजिद खान भी नहीं कर सकते। साजिद खान कोरियोग्राफर कहाँ है? तभी तो नहीं कर सकते वो। खैर आपको मालूम है आप और मेरी चाची एकदम सेम टैलेंट है दोनों में। वो भी डायरेक्टर है? नहीं, वो भी बिरयानी बनाती है। अरे इनको खाने पीने का बहुत शौक है। बिरयानी, यखनी, पुलाव। अरे लोग तो उड़ती चिड़िया के पर गिनते हैं ना। हाँ। ये चलते मुर्गे का लेग पीस निकाल लेती है। बहुत अच्छे, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ मैम। सबकी फैन है तू? मैं सब बोलना पड़ता है, क्या करें हमारा सिस्टम। खैर मैं सच्ची बोलती हूँ रवीना मैम। वो तो कैसे बात लड़कियों की तरह करती, हंसती मर्दों की तरह तू। कुछ खराब है अंदर साउंड सिस्टम, क्या बोल रही थी बता। हाँ मैं बोल रही थी, हाँ मैं बोल रही थी, अभी ठीक है। हाँ। रवीना मैम, ओह गॉड, मैं आपकी सब फिल्म भी देखी ली हूँ मैं। मेरे को वो पिक्चर आपकी बहुत अच्छी लगी, बड़े मियाँ बड़े मियाँ। बड़े मियाँ छोटे मियाँ? छोटे मियाँ मेरे लिए बड़े मियाँ ही हैं। मैंने जो कुछ भी सीखा उन्हीं से सीखा है। वो अलग बात है, वो मेरे को छोटे मियाँ नहीं मानते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, फैमिली ये चलता रहता है, करेंगे बात, सॉल्व होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हो गया तेरा? नहीं। हमारा इधर पार्लर था। हाँ, इसने तुड़वा दिया बाद में। अलग अलग टाइप का मसाज है मैम, आपका इतना हिट गाना है टिप टिप बरसा पानी। डूबा दरिया में खड़ा में साहिल पे मसाज है मेरे पास। इसमें क्या होता है? इसमें हम कस्टमर को तेल लगा के मैं बाइक पे बिठाती हूँ, फिर बाइक चालू होती है, ऐसा करके समुंदर के पास बाइक जाती है, फिर मैं साहिल पे खड़ी होती हूँ और उसको धक्का दे देती हूँ और वो डूब जाता है। ये क्या फालतू की मसाज की तूने? और कुछ है तेरे पास? अरे है ना, मेरे पास एक और मसाज है फरहा मैम आपके लिए है। कौन सी? इसमें मेरे पास है मसाज है। हाँ है मसाज, इसमें कस्टमर आता है, ठीक है,
और पूछता है सपना है, मैं बोलती हाँ है, कितना पैसा लेती है, तो बोलते 200 रुपए लेती है, मसाज करती है, तो करती है, ऐसा हम लोग का है मसाज। आज इस शो में वो गेस्ट बन के आई हैं, जिस शो में वो जज होती ना उसमें हंसती हैं वो अर्चना जी की तरह, इधर नहीं, समझ में आया ना? फिर मैं मैम मेरे को बहुत अर्जेंट है जाने का, हमारे पास बहुत वो टेरेंस लुइस है ना कोरियोग्राफर है वो, टेरेंस लुइस, हाँ वो मेरे को आए थे मसाज कराने, हाँ वो जाते जाते अपना लुइस छोड़ गए अभी तो मेरे को बोलते मेरे टेरेंस पे आके मेरे को मेरा लुइस दो, तो मैं उधर जाती हूँ, ओके मैम मेरा बाय बाय। फरा मैम, रवीना मैम, आप दोनों सोशल मीडिया पे रहते हो, अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स वगैरह डालते हो, कभी आपने कमेंट्स पढ़े नीचे? हाँ मैं पढ़ती हूँ, बड़े मजेदार कमेंट्स होते हैं हमारी जनता के, हमने कुछ पिक्चर सिलेक्ट करके रखी हैं, आपको दिखाना चाहते हैं, प्लीज हैव अ लुक। बट कमेंट्स किसके हैं, आपके के? नहीं नहीं, ये पब्लिक के, रियल वाले कमेंट्स, या रियल वाले कमेंट्स दिखाइए जरा। फरा मैम ने फोटो डाली है, टू मॉन्यूमेंट्स इन वन फ्रेम, हैशटैग कुतुब मीनार दिल्ली, ओके दिखाइए जरा कमेंट्स। रितेश देशमुख जी लिखते हैं Where is the second one? अच्छा वैसे हम लोग नाम छुपा लेते हैं पर ये तो चलो फ्रेंड्स हैं। अच्छा अभिषेक भाई ने भी लिखा है Which is older? कमीना अभिषेक। एक किसी भाई साहब ने लिखा मैडम आप दिल्ली क्यों गई, मुंबई में अमिताभ बच्चन जी के पास खड़ी हो जाती कुतुब मीनार वाली, कुतुब मीनार की फीलिंग आ जाती। और दिखाइए, मैं कुतुब मीनार के पास लिखकर आया था राजू लव पूजा, अब पूजा की किसी और से शादी हो गई, आपको लिखा हुआ देखे तो मिटा देना। किसी ने लिखा, मुझे लगता है ये इसके उपर... इसी के ऊपर चढ़ के मुंबई की फ्लाइट पकड़ेंगी। आगे और When you follow your passion, you start living your dream. वाओ, इसका मतलब ओके दिखाइए कमेंट्स। कैमरा का कपड़ा बच गया था उसकी टोपी बना ली। इसमें से फोटो खींचती है या गोला निकलता है, इसलिए कितना भी देख लो हिरन ही दिखाई देगा। जैकी श्रॉफ के घर पे देखो वहां टाइगर दिख जाए। और दिखाइए, हैप्पी बर्थडे टू माय डियरेस्ट राजकुमार राव, बहुत सो मेनी इंग्लिश। आगे आगे कमेंट्स पढ़ते हैं, कमेंट पढ़ो कमेंट। मुझे एक बात पूछनी थी, ये डॉक्टर जो प्लास्टर करते हैं घर की दीवारों का प्लास्टर भी कर देते हैं क्या? और दिखाइए, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं बिना फल लिए ही मरीज से मिलने आ जाते हैं। किसी ने रिप्लाई भी लिखी है, ये तो उनके चीकू भी खा गई होंगी। ओ, गुस्सा शीरीष पे होगा, टांग राजकुमार की तरफ। और दिखाइए, ओहो चंडीगढ़ की फोटो है, ये कब गई थी आप? गई थी लास्ट। अच्छा गाना शूट करने के लिए? हाँ। ओके नाइस पिक्चर, दिखाइए कमेंट्स। सोनू भाई भी कमाल हैं, फरा मुंबई की हैं, इन्हें भी पंजाब छोड़ आए। अच्छा। इनको सेंटर में बिठाओ सोनू भाई, एक तरफ से उठ जाएगा वरना ट्रैक्टर कमीनो। ट्रैक्टर के आगे देखो, उसने फरा मैम का नेकलेस पहना हुआ है, कहां से सोचते हैं यार। एक्चुअली मैचिंग भी है। और दिखाइए, वेरी क्यूट पिक्चर, दिखाइए जरा इसके नीचे कमेंट्स। लूसिफर, माय डॉग्स इंस्टाग्राम इज लूसिफर। ओ अच्छा, बिल्ली आपको ऐसे देख रही है जैसे आप उसकी कुर्सी पे बैठी हो। नहीं
वो सोच रही है इनकी फोटो खिंच गई हो तो मैं भी खिंचवाऊं। मैडम सच में आपको बिल्ली पसंद है या घर में चूहे ज्यादा हो गए हैं? और आगे दिखाइए। बिल्लियां सर पे चढ़ जाती हैं इसीलिए मैं कुत्ता पालता हूँ। आपके और बिल्ली के बालों का रंग एक ही है, ये आपकी डाई लगाती है या आप इसकी लगाते हैं? और दिखाइए। बुक्स विंटर फायर प्लेसेस दीज आर ए फ्यू ऑफ माई फेवरेट थिंग्स। फिर देखा कैप्शन कितना अच्छा, हम ज्यादा से ज्यादा यही लिख रहे हैं, बहुत ठंड है भाई, आग सेक रहे हैं। देखो कितनी खूबसूरत लिखा है, वाओ। दिखाइए कमेंट्स। यही कैप्शन अगर आदमी ने डाला होता तो बीवी जान खा जाती, क्या मैं आपकी फेवरेट नहीं? किताबें कच्ची रह गई थी क्या जो तंदूर लगा के पका रही? आगे दिखाइए। और दीवार पे कैसे अलग अलग कलर के टेढ़े मेढ़े पत्थर लगवा रखे हैं जुगाड़ करके, थोड़ा पैसा और लगा लेती एक साइज एक कलर के पत्थर लग जाते। मैडम आग बेकार ही जल रही है, इसमें दो बैंगन डाल दो, भरता बन जाएगा, टंडन साहब भी खुश हो जाते। किसी ने रिप्लाई लिखा, अबे इनका टंडन थडानी है। और दिखाइए। ओए खत्म हो गया। अरे खुद के भी दिखाओ। नाइस। खुद का भी दिखाओ ना कभी। हमारे नहीं कोई कमेंट आता, हम तो लिख भी देना कि फीलिंग सैड, नीचे कमेंट ऐसे थे मर जा फिर। हमें थोड़ी ना कोई ऐसे प्यार मोहब्बत वाले कमेंट करता है। तो बीवी है तो ऐसे ही बोलेगी ना। नहीं आप। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे सेगमेंट का नाम है गेस द फूड मोमेंट। बेसिकली कुछ पिक्चर्स होंगी जो आपको भी दी जाएंगी, आपको भी दी जाएंगी, तो वन बाय वन खेलेंगे। फरा मैम आपको एक प्ले कार्ड टाइप कुछ दिखाएंगी, उस पर कोई सब्जी बनी होगी मान लो, आपको देख लेनी है और आपको इनको समझाना है कि वो क्या है। देखो ये टीवी है तो इसलिए, और कुछ होता तो हाथ में पकड़ के ले आते। अच्छा ऑडियंस प्लीज आप बताना मत, हमारा करोड़ों रुपया लगा हुआ है प्रोडक्शन वैल्यू। या चलिए रेडी 1 2 1 3। हमको भी दिखाओ भैया। अच्छा जब उपवास होता है तो उसकी खिचड़ी बनती है। साबूदाना। हाँ करेक्ट। आगे तो वाह। जो हम लोग घर में ताला लगाते हैं उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लौकी का हलवा। अच्छा अच्छा मैंने जो बोला कि टिप टिप बरसा पानी को आप वो बटाटा नहीं बनाइए। हाँ दही उसके अलग अलग। दही बटाटा पूरी नहीं, उसका एक और रूप होता है। दही दही बड़े। करेक्ट। ये तो लगता है रिहर्सल करके आई है। अभी मैंने आज एक रील बनाया था उसमें जो आखिरी वाला था जो मोस्टली तिब्बत में बनता है। मोमोज। करेक्ट। ये फिल्मों में आने से पहले आपका गेस करने का काम तो नहीं था? नहीं लेकिन क्लूज भी तो अच्छे मिलने चाहिए। भी वो भी ठीक है। आप मुझे अच्छे क्लूज दीजिएगा मैडम। मैं दूंगी मैडम। अच्छा शुरू करो। रेडी। अच्छा ये महाराष्ट्र का फेमस है कांदे। इस उसल पाव। कांदे। कांदा बटाटा। नहीं कांदा भजिया। अरे येलो येलो राइस है। येलो येलो राइस मैंने कभी नहीं खाया। पफ राइस का बनता है। कुरमुरा। बेल। बेल पूरी। बेल कुरमुरा। महाराष्ट्र में रहकर नहीं मालूम है। कांदे 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 बटाटे में को नहीं मालूम। अच्छा सेकंड पार्ट है अर्चना कैसे हंसती है। कांदे। हाँ कांदे डैश। हाँ हाउ कैन यू नॉट नो दिस। पोहा। पीला राइस स्टफ्ड राइस। हाँ पोहे पोहे रवि। हाँ पोहा। अच्छा ये स्वीट डिश है जलेबी के साथ रबड़ी। यस मिठाई मुझे पता है मिठाई। अच्छा ये पंजाब में बनते हैं सुबह सुबह पराठे। हाँ कौन से वाले? आलू पराठा। नहीं जिससे पाद आती है। मूली पराठा। मूली 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 पराठा। ये बहुत फेमस है ऐसा 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 बहुत होता है बड़ा वाला पर्पल कलर का भाई। हाँ उसका क्या बनाते हैं? भत्ता। वाह ले जाओ। इतना टाइम हमने बनाने में लगा दिया बक्से और 2 मिनट में गेम खत्म कर दिया। ये ना मतलब आप
उन दोनों मित्रों से पूछ रहे हैं जो एक दूसरे को इशारे में भी बोल देते हैं कि क्या बोलना है. वाह. अभी हमने आपके बारे में इतनी बुराइयां की है यहाँ बैठ के इशारों में कि आपको पता भी नहीं चला. देखा. रवीना बेन, फरा बेन, अरे फरा बेन, अर्चना बेन केम छो, कपिल भाई केम छो. अरे आप कौन है? आपका जनरल नॉलेज थोड़ा कम है तो मैं बता देती हूँ. ये मेरे चीला शूज और मेरे जाया प्राडा बैग. आई एम भाविका भट्ट फ्रॉम भावनगर. कपिल भाई मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हुआ. मैं क्या पूरा भावनगर इतना बड़ा फैन है ना आपका. ओहो हो जलसा ही थई गया. बोलो किसका थई गया? जलसा थई गया. जैसे आप लोग पंजाबी में नहीं बोलते हो जलसा थई गया वैसे. पंजाबी में ऐसे कहाँ बोलते हैं? तो मेरे को क्या मालूम, मैं तो गुजराती हूँ ना भाई. अच्छा पन सच्ची में यार रवीना बेन, अगर मैं उस गाने में होती ना तो मेरी माँ ना दो थप्पड़ लगाती. क्यों? बोलती लड़के के साथ डांस तो फिर भी ठीक है लेकिन बारिश में भीगेगी, बुखार आएगा तो खर्चा कौन उठाएगा बोलो. मेरी माँ तो बहुत कंजूस है. हाँ मोटा भाई क्या बोलूं. मोटा भाई किसको बोल रही है? मैंने वो हमारे गुजराती में ना. अच्छा? बड़ा भाई को मोटा भाई बोलते. अच्छा, अच्छा. अभी आप बड़े हो इसलिए नहीं बोल रही हूँ, आप जरा मोटे दिख रहे हो इसलिए बोल रही हूँ. तो आप अकेली आई हैं या परिवार के साथ आई हैं? नहीं नहीं मैं तो जिधर जाती हूँ अकेले ही जाती हूँ ना. हाँ एकदम मैं सिंगल हूँ, मेरी शादी वादी हुई नहीं. अच्छा. और रवीना बेन शादी वादी में कुछ रखा नहीं है. ओनली लिव इन. लिव इन मतलब जाने दो. वो लिव इट होता है. हाँ तो इन हो या ईट हो यार जावा दे. आपने सू मोटा भाई आप जरा वजन कम करो. वैसे आप करती क्या है? देखो मैं ज्यादातर तो आशा भोसले करती हूँ, फिर कभी कभी राखी करती हूँ, जब ये नहीं रहती है तो फरा कर लेती हूँ. नहीं आज मैंने सोचा कि मैं कुछ नया करती हूँ. ठीक है अच्छा लगा तो ठीक है, वरना आप तो हर एपिसोड में नहीं आएंगी ना. कपिल भाई मैं वही काम करती हूँ जो फरा बहन करती है. आप भी डांस सिखाती है? नहीं मैं पापड़ बेलती हूँ. डांस का पापड़ से क्या लेना देना? अरे फरा जी से पूछो डांस में कितने पापड़ बेलने पड़ते है ना. डांस की बात करें ना तो रवीना बेन फरा बेन, लास्ट टाइम गरबा में ना एक ट्रेजेडी हो गई थी. क्या? मेरी नानी ना वो डांस करते करते ऐसा गिरी ना ऐसा गिरी, उनका तो फाफड़ा ही टूट गया. फाफड़ा टूट गया? मुंह टूटा होगा ना ऐसे गिरी तो. नहीं नहीं मुंह में फाफड़ा था ना तो पहले फाफड़ा टूटा. फिर उसके बाद जबड़ा टूटा. अच्छा. फिर जब गिरी ना तो टांग भी टूट गए. हो गया आपका? नहीं नहीं अभी ऐसे कैसे हो गया, मतलब अभी अभी तो मैं आई हूँ. वैसे मैंने सुना है ना कि आपके यहाँ लोग प्रमोशन करने के लिए आते हैं, तो मैंने भी सोचा कि मैं अपना पापड़ का बिजनेस प्रमोट करूँ. ये लो मेरा खाकरा खाओ मैडम. आप लोग खाकरा खाओ, 25 रुपए का है, बहुत सस्ता है. हम लोग तो अमेरिका भी जाते हैं ना तो अपना खाना पूरा लेकर जाते हैं. बोलो. मुझे लगता नहीं आपको देख के आप कभी अमेरिका गई होंगी. अरे बिल्कुल गई हूँ मैं अमेरिका. हम गुजरातियों का कनाडा है अमेरिका. लेकिन लेकिन उधर ना स्टाफ के साथ बहुत झिकझिक होती है. वो लोग बोलते हैं कि स्टाफ के साथ डांडिया मत खेलो. स्टाफ के साथ कौन डांडिया खेलता है? अरे तो कब तक एक गुजराती दूसरे गुजराती के साथ डांडिया खेलेगा. ये वक्त हो गया है कि एक गुजराती तमिल के साथ सनेडो करे, पंजाबी के साथ सनेडो करे, बंगाली के साथ सनेडो करे. एकदम मजा ही आ गया. ओहो हो बातों बातों में पता ही नहीं चला इतना टाइम ले लिया मैंने. चलो मैं चलती हूँ. बेन हो गया फरा बेन हो गया हो गया. अरे एक एक, एक, एक बार जॉनी भाई का तो करके बताओ. सारी दुनिया की नकल करती है. अपने पापा की तो करके बताओ एक बार कैसे करते हैं. बाबा काय को फंसा रहे हो बाबा. मेरे को घर जा रहा है बाबा. मेरे छोटे छोटे बच्चे बड़े हो गए बाबा. लाइव टू लाइव मेरा तो कर. ओ गॉड डोंट डू दिस यार. मतलब दिस इज अ रियल बिग प्रॉब्लम. आई वाज सो स्कैर्ड कमिंग हियर टुडे. एक तो कोविड है बाहर ऊपर यहाँ से फरा मैम. ओ गॉड आई एम स्कैर्ड. आई विल गो नाउ. पर आशा जी भी देख रही हैं, वो कह रही हैं हमारा भी क्या.
इतने सारे फिल्म स्टार्स कभी किसी अवार्ड शो में नहीं होते कि नॉर्मली क्या होता है पिछले साल की जो फिल्में आई हैं उनमें आपस में कॉम्पिटिशन होता है वही लोग आते हैं लेकिन आपने जब ओम शांति ओम बनाई उस गाने में 60s के हीरो हीरोइन 70 80 90 बहुत सारे थे शूट कैसे किया वो तो शूट तो बहुत अच्छा गया कपिल जो थे वो तो थे लेकिन जो नहीं आए उनकी स्टोरी और भी बेटर है अच्छा कौन नहीं आए एक तो रवीना नहीं आई अच्छा क्योंकि वो इतनी प्रेग्नेंट थी मैंने बोला ऐसे ही आ जा इतनी प्रेग्नेंट क्या होता है मतलब आई वाज टू प्रेग्नेंट अच्छा फिर मैंने देव साहब को भी बुलाया था अच्छा तो देव साहब ने बोला फारा आई डोंट डू गेस्ट अपीयरेंस उन्होंने आज तक लाइफ में गेस्ट अपीयरेंस नहीं किया है क्या बात है पर इतने सारे स्टार्स को मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम है एक्चुअली बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में किया था मैंने तो हर दिन 5 स्टार आते थे और हम लोग 2-2 घंटा रखते थे सबके लिए ओके और वो पहली बार था जो शाहरुख सुबह टाइम पे आता था बिकॉज़ ही वाज द प्रोड्यूसर एंड द एक्टर तो होस्ट है तो ही हैड टू बी देयर और अमित जी नहीं आ पाए बिकॉज़ आई थिंक ऐश्वर्या एंड अभिषेक वर गेटिंग मैरिड ओके उस महीने दैट्स व्हाट ही टोल्ड अस और शाहरुख ने मुझे कहा था कि मुझे दिलीप साहब और सायरा जी चाहिए थे अच्छा गाने में नो बिकॉज़ लाइक ही इज अ लेजेंड मजा आ जाता ना तो शाहरुख ने कहा था यू कॉल एवरीबॉडी एल्स इन दोनों को मैं खुद लेके आऊंगा अच्छा मैं उनके घर जाऊंगा और इन दोनों को मैं साथ में लेके आऊंगा अच्छा बाकी को हम मी मनीष वी टू गो टू एवरीबॉडीज हाउस एंड कॉल देम मतलब जैसे शादी का नहीं होता है हाँ बिल्कुल एक्चुअली वो शादी तो फिर भी छोटी होती है इतना बड़ा गाना था आपका कुछ लोग क्लास 1 में आ गए अच्छा हाँ ओह आपकी संगत का असर थोड़ा इन पे भी है एक बार एक एपिसोड था तो सिद्धू जी थे नहीं रवीना जी थी वेस्ट इंडीज क्रिकेटर था ना डीजे ब्रावो उसको मैंने बोल दिया यू नो शी इज बॉलीवुड क्वीन एक्ट्रेस है ना शी इज फैन ऑफ यू तो उन्होंने मुंह पे बोल दिया चलते नो माय किड्स आर हिज फैन और मैं बाद में इधर-उधर देखूं मैं आप क्या बोल रहा है तो एनीवेज मेरे से बात याद है मेरे बच्चे याद है जो मेरे बच्चे आए थे कपिल बोला बेटा मेरा शो देखते हो नहीं नहीं उनको मैंने बाद में पूछा मैंने कहा मम्मी की फिल्म देखते कहता बिल्कुल नहीं आज हमारी ऑडियंस बहुत कम है क्योंकि अभी काफी है कोविड का लॉट ऑफ नॉइज हाँ कोविड का प्रोटोकॉल है तो पर अच्छा कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है हम लोग देखो आपके जो चहेते स्टार्स उनके साथ बातचीत करने का मौका देते हैं लेकिन आज ये थोड़ा मुद्दा हमारा बड़ा इंटेलेक्चुअल है कि कभी कभी होता है ना हम किसी भी चीज पे कुछ भी कर देते हैं जैसे आपके फ्रेंड मेरे भाई हैं सोनू सूद वो आदमी को वारंटी की जरूरत नहीं पड़ती बॉडी इतनी फिट है कहीं पे भी कपड़े चेंज कर लेता है कभी ऐसी वियर्ड सी जगह पे वियर्ड सा काम किया है जो भी आप अपना किस्सा शेयर कर जी मैडम हेलो कपिल सर हेलो एवरीबॉडी हेलो मेरा नाम हिमानी जैन है आप जैसे अभी बता रहे हैं कि कोई चेंजिंग आपने अजीब जगह पे करी है तो मेरे साथ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है एक्चुअली मेरे क्लोज रिलेटिव की शादी थी मैंने काफ़ी हैवी आउटफिट पहना था ट्रेडिशनल अटायर जो था और रिसेप्शन में काफ़ी लेट हो गई थी तो मुझे चेंज करने का टाइम नहीं मिला और मेरी फ्रेंड ने ऑलरेडी मूवी टिकट्स बुक कर रखी थी वो भी आप ही की मूवी की किस किस को प्यार करूं क्या बात कर रही हैं हाँ तो मूवी मैं मिस नहीं करना चाहती थी और आई वाज ऑलरेडी लेट और उस कॉस्ट्यूम में नहीं जा सकती थी दैट वाज अ ट्रेडिशनल अटायर काफ़ी 5-10 kg का वो लहंगा था अच्छा जी अब मुझे चेंज करने की जगह भी नहीं मिल रही थी और मुझे टाइम पर भी पहुँचना था तो मैं उसी ड्रेस में थिएटर पहुंची थी फिर? अब मूवी स्टार्ट हो गई थी बट मुझे चेंज करना था अब मैं वॉशरूम में गई फटाफट तो मैंने वहां पर जाके फटाफट मैंने चेंज किया मैंने आपकी 10-15 मिनट्स की मूवी मिस करी स्टार्टिंग की वही मेन थी तो वो चेंज करके फिर मैं तो उस मूवी के राइटर यहीं पे मौजूद हैं जो छुट्टी है ना वही आप सुना देना इनको क्या छूटा पहले 10-15 मिनट का हम आपको लाइव सुना देंगे तो वो चेंज करके फिर मैंने आपकी मूवी एंजॉय करी बहुत बहुत धन्यवाद हिमानी जी शुक्रिया आप भी बड़ी प्यारी लग रही है आप भी कुछ बोलिए ना वैसे ही बोल दो जो मन में आता है दो का पहाड़ा सुना दो नहीं आई जस्ट वांट टू से दैट आई एम वॉचिंग यू लाइव इज लाइक लिटरली ड्रीम कम ट्रू मुझे इतनी ज्यादा खुशी हो रही है मेरी जॉ लाइन दर्द हो चुकी है लिटरली Oh, so sweet of you. Thank you. No, but me, my family, we are your big fan. Thank you for, you know, being there for us and making us laugh. Shukriya. Thank you. God bless you with
lots of happiness and success. Thank you so much. इतना ही अच्छा लगता हूँ अपना नंबर देके जाना फिर. तो मैं आपको कितना देना है? मैं नहीं दूँगी. आपने नाम नहीं बताया अपना. रिदम. रिदम. Yes. Oh wow, I love rhythm. You know. I play drum. Yes. So, बड़ा प्यारा नाम है आपका रिदम. जो जो कहा मतलब समझ में आया आपको मतलब अंग्रेजी में कहा इन्होंने? Oh yeah, babes, I can speak very well. I'm just making people fool. Babes. Yeah, yeah. Okay, cool. You know, cool, I just cool. act like a fool and behave like a genius. Sometimes. बस इसके आगे आप कुछ मत पूछना. मैंने ये दो लाइनें याद की हुई थी. Okay, thanks a lot. Thank you. अरे वो बॉन्साई विराट कोहली कब से पूछ रहा है कि उसको कुछ बोले. माइक दे दो उनको यार. हाय कपिल सर. हाय एवरीवन. मेरा नाम सज्जाद है और जैसा कि सर आपने पूछा कि मतलब ऐसा कुछ आपकी लाइफ में हुआ है. आप एक बार चेयर पे खड़े हो गए प्लीज. मैं आपके जूते देखना चाहता हूँ. देखा सड़क बना दी पूरी आपने. हाय सज्जाद, कहाँ से आए हो आप? जी मैं कश्मीर से आया हूँ. कश्मीर से? अरे बड़ी प्यारी जगह से आए. थैंक यू सर. वेलकम. ऐसे ही पंजाब में हमारे साथ हुआ था. वहाँ पे हम कपड़े का बिजनेस कर रहे थे और दिन भर हम काम पे गए थे. जैसे शाम को वापस आए और भूख लगी हुई थी, हम सब्जी लेने निकल गए. मैं और मेरा मामू, मतलब मेरी तरह वो भी, अभी जा रहे थे रास्ते में तो वहाँ पे शादी चल रही थी और गाने वाने अच्छे से डीजे चल रहे थे. मैंने उनको बोला एक काम करते, अब इतने दूर सब्जी लेने कौन जाएगा यार, भूख लगी इधर ही खा लेते. बोला ऐसे तो हमें कोई पहचानता नहीं यहाँ पे, चलो थोड़ा सा यहाँ पे डांस वांस करते हैं, उसके बाद थोड़ा मिलजुल हो जाएगा तो बैठ के खा जाएंगे. वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ नाच रही थी, लड़के भी नाच रहे थे, हम भी शुरू हो गए साथ में. अचानक एक बंदा आया, ओए तू कौन है? तू कुड़ी वालों के मुंडे वालों? मैंने कहा सर बात सुनो एक मिनट. उसने खींच के बाहर निकाल दिया. मतलब बहुत वो टाइम जब याद आता है बहुत, मतलब हमारी बेइज्जती भी हुई थी. वो तो आपको मामा पीटना चाहिए था ना. नहीं फिर मैंने शादी भी कर ली पंजाब की लड़की से. अच्छा? जी वाह, बहुत बहुत मुबारक आपको. आपकी वाइफ नहीं आई साथ में? वो अभी कश्मीर में, वो पहला साल बोला कि इस साल मुझे बर्फ देखनी है, शौक है. मैंने कहा ठीक है. तो फ्रिज में दिखा देते बर्फ. अच्छा ये तो रखते नहीं होंगे. शुक्रिया सज्जाद, धन्यवाद. और कोई हमारे दोस्त? हेलो एवरीवन. हाय कपिल सर. हेलो जी. सर मेरे पास एक्चुअली कोई किस्सा या कुछ वो नहीं है. मैं स्पेशली आपको थैंक यू बोलने आई हूँ. थैंक यू. लास्ट ईयर मेरे को लास्ट ईयर ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ था. आपको? हाँ जी. तो कीमोथेरेपी के बाद घर आने के बाद मैं बैक टू बैक रिपीट पे आपका शो देखती थी, रिकॉर्ड करके. पुराने से पुराना भी देखा, सब देखा. इतना पुराना हूँ मैं? अभी आपकी हेल्थ कैसी है? अब ठीक है सर. और मेरा तब मैं मतलब मेरे फेस पे स्माइल आ जाती थी, पेन में भूल जाती थी बिल्कुल कि कैंसर हुआ है मेरे को. मैं सोचती थी कभी आऊँ और आपको बता दूँ कि आपने कितना योर शो वाज लाइक अ मेडिसिन मेरे लिए काम किया. देखा है. मैंने बोला था तू हेल्थ केयर वर्कर है. गॉड ब्लेस यू. आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं. थैंक यू सर. और आप अगर नहीं बताती तो मुझे शायद ऐसे पता भी नहीं चलता आपकी बातों से, आपके स्माइल से. नहीं सर, पहला ट्रिप मैंने 2 साल बाद बॉम्बे का इसीलिए बनाया कि शायद आपसे मिल लूं और शायद गॉड ने मेरी प्रे मतलब वो विश भी पूरी कर दी. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट. और आपका शो चलता रहे मैं यही दुआ करती हूं. थैंक यू सो मच सर. अरे अर्चना रोज दुआ करती है ये. यस थैंक यू सर. अभी बिल्कुल प्रॉपर ठीक है आप. हां जी. ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे, तंदुरुस्त रखे. थैंक यू सर. गॉड ब्लेस यू. धन्यवाद शो में आने के लिए. ये रवीना, फरा मैम, ये मेरे बहुत दूर के चाचा जी. हम मूवी लगाते हैं इनको. फरा जी इतना फेमस कर रही है, दूर के चाचा, दूर के चाचा. मुझे तो नजदीक में अब कोई फ्लैट भी नहीं दे रहा रेंट पे. कहते दूर के चाचा हो विरार से आया करो, वहां जाके रहता हूं. खैर मेरे से यहाँ पे कोई भी गलती होगी हो या मेरे भतीजे से गलती होगी हो मुझे माफ कर देना. और आपकी किस्मत अच्छी है कि आपने मेरे दर्शन कर लिए. मैं ये घर छोड़ के आज जा रहा था तो मैं सिर्फ मिल के आऊंगा. ऐसे कैसे घर छोड़ के जा रहे हैं आप? अब तो मेरे पैर भी पकड़ेगा ना, नहीं रुकना. नहीं नहीं नहीं, मेरे को ये क्या इधर दिखाओ जरा, लेके क्या जा रहे हो? ये चेक कर रहा है ये मेरा वॉलेट आपके बैग में क्या कर रहा है? नहीं, बैग तेरा है तो वॉलेट भी तेरा ही होगा क्या? ये तो मेरा सामान है फिर. हाँ तो मैं क्या करूँ, पहले मैं अर्चना जी का बैग उठाया, फिर उसमें देखा मैं दारू वारू पीता नहीं तो मैं क्या करूँ, मैं रख दिया बैग. लेकिन घर छोड़ के क्यों जा रहे हो आप? कितनी बेइज्जती करवाऊं? हाँ. कभी बुलाता है कभी नहीं बुलाता. हम पागल हैं यार, सिदाई बने हम यहाँ पे. नहीं रहना, हम यहाँ पे रहते हैं. अर्चना जी आप भी यहाँ रहते हो, मैं भी, ये लोग. हाँ. हमारी कभी इंटरव्यू ली है बाहर से? कभी डायरेक्टर, कभी एक्ट्रेस, कभी हीरो उनकी इंटरव्यू ले रहा है. हम क्या छिकू हैं यहाँ पे?
इनका तो बनता है, इन्होंने इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया है, आपका क्या है? मैंने बहुत कुछ दिया है क्या? हर प्रोड्यूसर को जाके पूछो, मैंने हर किसी को अपना नंबर दिया है, हर जगह मैं ऑडिशन देता हूँ। फराह जी, आपने इतने ऑडिशन लिए भी नहीं होंगे जितने मैंने दिए हैं। एक साल में अक्षय जी की 4 फिल्में आती हैं, मैंने एक एक दिन में 4-4 ऑडिशन दिए हैं। इस साल हो सकता है बेस्ट ऑडिशनर का अवार्ड मेरे को मिले। नहीं, मेरी बात सुनो, जब आपको एक्टिंग आती नहीं तो आप फिल्म लाइन में आए क्यों? मैं फिल्मी परिवार से हूँ, पता है तेरे को? अच्छा? हाँ, मेरा पूरा परिवार इस लाइन से है। मेरे पापा वो थे, वो जो कैमरामैन नहीं प्लम्बर, वो जो वैसे पाइप ठीक करते, पाइप वो। और मेरे चाचा जी वो थे, वो जो ऐसे नहीं करते डायरेक्टर, नहीं नहीं कारपेंटर, वो जो थे सोफा यहाँ लगेगा, ये इधर लगेगा मेज, इधर लगेगा अलमारी। तो अपना सारा फिल्मी काम मैंने बचपन से रवीना ही सोच लिया कि मैं तो फिल्म लाइन में ही जाऊंगा, तो बस ऐसे ही रहा भाई। तो फिर फिल्म मिली क्यों नहीं आपको कभी? नहीं नहीं, फिल्में मिली हैं, मैंने मना की। ऐसे कैसे? मुझे तो फराह जी का भी फोन आया था। अच्छा, कि हेलो हैप्पी न्यू ईयर में काम करोगे? मैं कहा नहीं, एक छुट्टी होती मैं उस दिन काम नहीं करता। बाद में पता चला आपकी फिल्म है और इतनी सुपर डुपर हिट हुई, मैं बड़ा अंदर से, मैं कहा यार मैंने क्या बोल दिया, ऐसे ही मना कर दिया। मैंने कहा आगे से मना नहीं करना। फिर आया क्रिसमस में काम करोगे? मैं क्या हाँ जी हाँ जी, घर पे बुला के पूरी बिल्डिंग में लाइट्स लगवाई मेरे से। क्या करूं कपिल, फिर मैंने देख लिया यार फिल्मों में अपना कुछ नहीं होना। हाँ। फिर मैं सर म्यूजिक में निकल गया। तो म्यूजिक में भी आपका मतलब क्या ही बात है, कुछ नहीं बना उसमें भी आपका? तो मैंने यही कहा निकल गया, बनेगी तो मैंने बात ही नहीं की। लेकिन ये है कि नॉलेज हमें इतनी है म्यूजिक की, भगवान की कृपा से। आप फराह जी मेरे ऐसे ना काली पट्टी बांध दो, इधर कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजेगा मैं बता दूंगा कि कुछ ना कुछ बज रहा है। ये तो कोई भी बता देगा। तो मैं भी तो कोई भी हूँ। मैं इंडियन आइडल में जब गया ना ऑडिशन देने, मुझे क्या यहाँ पे कोई भी मुंह उठा के आ जाता है, तब तो मुझे पता चला वो मैं ही हूँ कोई भी, क्योंकि मैं ही मुंह उठा के जाता हूँ। तो लोग बोलेंगे ही गाना तो आपको आता नहीं है। मेरे को गाना नहीं आता, मैं सच्ची बताऊं, मैं पहली बार जब अर्चना जी स्टेज पे गया तो लोगों ने आके मेरे पांव पकड़ लिए, सर ये जगह आपकी नहीं है। तब से मैं वो जगह ढूंढ रहा हूँ, मेरी जगह कौन सी है मुझे बताओ यार, मैं कहाँ गाऊं? तो आपकी जगह बनेगी कैसे? आपको कुछ अकल तो है नहीं। एक दिन किसी मुंडन के फंक्शन में चले गए, पता नहीं कैसा गाना गाया उन्होंने, बच्चे के छोड़ के इनके किए पहले। देखो गर्मी बहुत थी, मैंने तो करवाने थे बाल, कटवाने थे 13 रुपए मेरे बचे। फिर एक दिन उनको वो सिंगर मिल गया, बी प्रैक, आजकल काफी पॉपुलर है। हाँ। तो बिल्कुल बाल नहीं होते, उसको देख के बोलते तुम भी मुंडन में गाते हो। उसने फिर उनके मुंह पे मुक्का मारा। मैं तो थैंक्सफुल हूँ बी प्रैक जी का, थैंक यू सो मच यार। ये करने के लिए 2 दिन इन्होंने लाइनें लिखवाई जबरदस्ती, मेरे को मुक्का मारा ताकि मैं बी प्रैक की मिक्री करूं। नहीं नहीं ये बात नहीं है, देखो ये आप भी समझते, अभी आप कितनी सिचुएशन बता रहे थे कि क्या क्या हो, ये सिचुएशन कभी कभी बन जाती है, हमें करना पड़ता है ऐसे। देखो एक बार मैं ऐसे शो करने गया स्टेज पे, कुछ आपके बहुत सारी लड़कियां फैन थी, वो कहते आपका गाना सुनाओ मौका मिलेगा तो हम बता। उधर माधुरी दीक्षित के भी बहुत फैन थे, वो कहते चोली के पीछे, अब टाइम कम मैंने दोनों सुना दिए। फराह जी मुझे आज तक कोई डायरेक्टर अच्छा मिला नहीं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्लीज अगर आप मेरे को हीरो लेके एक मौका, आपका क्या है 200-250 करोड़ का नुकसान हो जाएगा, मेरा हो सकता है 7-8 लाख का फायदा हो जाए, मेरी किस्मत बड़ी तेज है, एक मौका दे के देखिए। तो ठीक है ऑडिशन हो जाए लाइव, आज फराह जी सामने बैठी हैं, रवीना जी दे दो ऑडिशन लाइव। तो सीन ये है कि एक सेकंड मैं अपने मैनेजर को बुला लूं यार, क्योंकि वो स्क्रिप्ट पहले सुनेगा वो फाइनल करेगा। मैं ऐसे मैनेजर चलो उठो यहाँ से निकलो आप। हाँ जी यहाँ से निकलो फटाफट निकलो। नहीं नहीं ऑडिशन देना ना। हाँ तो ऑडिशन निकलो आप अभी। नहीं एक बार तो मौका दो ना। तो रवीना मैम, रवीना टंडन ही है वो यहाँ पे बैठी हुई है, आपको आके उनको चाबी देनी है। ये कौन है? ये कुछ भी है, मैं वॉचमैन बन जाता हूँ। वॉचमैन बन जाओ आप। ठीक है, कोई फालतू बात नहीं करनी। ठीक है जी, रेडी? हाँ जी, एक्शन। हाँ जी हाँ जी मैम, चाबी। हाँ जी हाँ जी, एक सेकेंड। चाबी, इतनी बड़ी हीरोइन चाबी मांग रही मेरे से। ओह हेलो फ्रेंड्स, मैं वो यावे, मुझे रोल मिल चुका है रवीना टंडन जी के साथ। हाय करो हाय करो हाय करो। ये क्या कर रहे हैं आप? ऑडिशन दीजिए आपके तो लाइव जा रहे हैं आप। मैंने सोचा बाद में टाइम नहीं मिलना हमें, फिर जगह जगह जाना का, फिर इधर आए ना आए तो ये मैं तो आ जाऊंगा इनका पता नहीं। आप अपना डायलॉग, आप चाबी दीजिए और बस।
मैम आपको पता है कि मैं छोटा मोटा रोल नहीं हो रहा, मैं आपकी वजह से कर रहा हूँ। हमारा भी दिल करता है हीरो आपके साथ आए, किसी होटल में जाए, डिस्को में खाएं, ऐसा मन तो होता है। अगर आप हाँ कर रहे हैं हमारी जिंदगी बन जाएगी। मैम आप समझो कोई रोल हो तो बताना प्लीज। चाचा जी चलिए आपका नहीं हो रहा, चलिए आप निकलिए यहाँ से। आप क्या आप तंग कर ही आ रहे हैं हमारी हीरोइन को। ओके तो ये फिल्म मैंने मना कर दी है लेकिन रवीना जी मौका देना मेरे को। फरा जी तो ये बंदा है जिसने मेरी फिल्म कैंसिल कराई है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू रवीना जी, थैंक यू। एक बार फरा मैम और रवीना जी के लिए जोरदार तालियां, आइए मैम। वाओ थैंक यू फरा मैम, थैंक यू रवीना जी। आई नो आपका पैर ठीक नहीं था फिर भी आप आई, थैंक यू। और आप बहुत प्यारी लग रही हैं, मैं अभी लास्ट में बोल रहा हूँ, मेरे को ये हमेशा टोकती रहती है कि ये बात नहीं बोलनी, हीरोइन के साथ फ्लर्ट नहीं करना कोई भी आती है। फ्लर्ट करता है। नहीं नहीं अभी तो हम लोग का नंबर लगा है, नहीं तो तब तक तो दीपिका थी, दीपिका की शादी नहीं हुई थी ना, तब तक तो दीपिका थी, हम तो दिखते भी नहीं थे, अभी सब कौन बचा है। बट आज बहुत मजा आया फरा मैम रवीना मैम आपसे मिलकर, बड़ी मजेदार बातें हुई। जैसे उन्होंने कहा आप हंसाते रहो बिकॉज यू आर अ हेल्थ केयर वर्कर। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों आप सबसे अनुरोध है कि बाजारों में भीड़ करने से बचें, मास्क लगा के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।